कश्मीर की घाटियों में भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक दिन अचानक कुछ आतंकवादी भारत के सेना के जवानों पर अचानक से हमला बोल देते हैं। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी फौजियों के मदद के द्वारा पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी बॉर्डर पार करे भारत के एक गांव में घुस जाते हैं और वहां के लोगों को बुरी तरह से पीटने लगते हैं और मारने लगते हैं। इन हिंदुस्तानियों ने हमारे जमीन हमसे हड़प लिए, हमें अलग अलग कर दिया। ये हमारे दुख के कारण है। हम हिंदुस्तानियों को बंदी बनाकर इस पूरे गांव को लूट लेंगे और भारत को पाकिस्तान की ताकत का अंदाजा आज मालूम पड़ जाएगा। फिरोज रोज बंदी बना लो सारे गांव वालों को और अब हम भारत सरकार से इन गांव वालों की जान के बदले 50 करोड़ रुपए की मांग करेंगे और अगर उन्होंने देने से इनकार किया तो इन सारे गांव वालों को वैसे ही मौत के घाट उतार देंगे जैसे इनके जवानों को अभी हमने मार गिराया। इंशाअल्लाह भाईजान, हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे लेकिन इन हिंदुस्तानियों को नहीं छोड़ेंगे। इनके सरकार से हमें 50 करोड़ नहीं 100 करोड़ चाहिए। भारतीय सेना को यह बात पता चलती है और वह तुरंत एक टीम गठित करती है जिसे उस गांव में घुसे आतंकवादियों को मारने और गांव के लोगों को बचाने की जिम्मेदारी दी जाती है। उनका सबसे हेड ऑफिसर और सबसे दिलेर ऑफिसर होता है रामपाल सेन। भारतीय सेना के बड़े पदाधिकारी और सेना के ऑफिसर अमरदीप सिंह चिंता में एक टीम को बुलाते हैं और अपनी बातों को वहां रखते हैं। हम कैसे भी करके अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, हम अपनी जान शहीद कर देंगे लेकिन अपने देश के लोगों पर आंच तक नहीं आने देंगे। आप लोगों में से कोई है जो यह काम कर सकता है तो आगे बढ़ो और अपने देश के दुश्मनों से आजाद करने के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और उन गद्दार पाकिस्तानियों को अपने देश से या तो खदेड़ भगाओ या मार दो। मर जाऊंगा सर, पर मैं उन पाकिस्तानियों को या तो खदेड़ दूंगा या जान से मार दूंगा लेकिन अपने देश के लोगों पर एक खरोच नहीं आने दूंगा सर। जब से मैंने ये सुना है तब से मेरे तन मन में आग लग चुकी है। अब यह तभी शांत होगी जब मैं उन लोगों को वहां से भगाकर गांव वालों को पाकिस्तानियों से रिहाना कर दूं। मैं भले जीवित लौटूं या ना लौटूं लेकिन मेरे गांव के लोग की दर्द अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे उनके दर्द का एहसास मेरे मन में हो रहा है और मैं खून में एक उबाल उठा रहा हूं जो उन पाकिस्तानियों से लड़ने के लिए मुझे चमकार रहा है और मैं अपने आप को रोक नहीं सकता सर। इसलिए आप मुझे यह जिम्मेदारी दीजिए, मैं अपनी टीम लेकर चलता हूं और उन आतंकवादियों को ढेर करके आता हूं। जरूर रामपाल सेन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम एक काबिल और दिलेर ऑफिसर हो और एक नेक इंसान भी हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हें पूरी आजादी और छूट देता हूं, भले वो पाकिस्तानी सारे के सारे मार दिए जाएं या बंदी बना लिए जाएं लेकिन गांव के लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। जल्दी से जले जाने की प्रक्रिया शुरू करो और विजय होकर लौटो। अमरपाल अपनी टीम को लेकर वहां चला जाता है और आतंकवादी और भारतीय सेना में मुठभेड़ शुरू हो जाती है और गोलियां चलने लगती हैं। दोनों तरफ से गोली बम मिसाइल चलने लगते हैं। हर जगह आग धुआं धुआं हो जाता है लेकिन आतंकवादी एक अत्याधुनिक हथियार लेकर आए होते हैं जो एक ऐसा बम था जिसे देखने से भारत के सारे जवान बेहोश हो जाते हैं और उन्हें भी पाकिस्तानी आतंकवादी बंदी बना लेते हैं। और अब अमरपाल उनका बंदी बन चुका होता है तभी आतंकवादियों का सेठ फिरोज वहां आता है जहां अमरपाल को बंदी बनाकर रखा गया था। उसे होश में लाता है और बोलता है कि तू ही है वो जिसे भारतीय सेना ने हमें मारने के लिए भेजा था। अरे तुम्हारे में इतनी हिम्मत कहां जो तुम हमें मारो। हम आज तुम्हारे लोगों को मार भी देंगे और तुम्हारे सरकार से पैसे भी लेंगे। मासूम बच्चों और औरतों को पीटने वाले और मजबूर लाचार पर जुल्म ढाने वाले तू अपने आप को खुदा का बंदा समझता है? तो जाहिल दरिंदा है, तो एक नाली का कीड़ा है जिसे नाली में ही रहना चाहिए। तुमने मेरे देश में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तू यहाँ से जीवित नहीं जाएगा, मौत का सिकंजा तेरे ऊपर होगा। महादेव की सौगंध है, हे महादेव अगर आप देख रहे हैं तो आप यह अन्याय ना होने देना, मुझे ताकत दो, मैं इन गरीब लाचारों की जीवन की रक्षा करना चाहता हूं महादेव। ये बात बोलकर अमरपाल उस आतंकवादी के मुंह पर थूक देता है
जिसकी वजह से सारे आतंकवादी गुस्से से उसे गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार देते हैं और सब गुरूर से अल्लाहु अकबर चिल्लाते हैं। तभी आकाश से बिजली कड़कनी शुरू हो जाती है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, हवाएं बढ़ जाती हैं जैसे मानो कोई तूफान आ गया हो। सारे के सारे पाकिस्तानी आतंकवादी एक एक करके बेहोश होने लगते हैं और किसी के हाथ मुड़ जाते हैं तो किसी की गर्दन मुड़ जाती है और वहां एक आत्मा प्रकट होती है। वह आत्मा अमरपाल की होती है। वह अपनी भूतिया शक्ति से पाकिस्तानी सेना के सारे आतंकवादियों को वहीं मार गिराता है। उन गांव वालों को उसने बचा लिया। अमरपाल सेना शहीद हो जाता है और उस गांव के बीच चौराहे पर उसकी मूर्ति लगाई जाती है और उस पर लोग मलाई चढ़ाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इसे धन्यवाद कहते हैं और सब लोग भगवान को भी शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इस जुल्म को देखा और मृत अमरपाल को अद्भुत शक्तियां प्रदान की, जिससे धर्म की राह पर चलते हुए अपने लोगों की रक्षा करने में वो सफल रहा। ये कहानी हमें देशभक्ति की शिक्षा देती है कि हमें हमारे देश के लिए हमेशा वफादार रहना चाहिए और दिल से लोगों से मिलकर भाईचारे से प्रेम से रहना चाहिए। आज देश की पहली तरबूज ट्रेन चलने जा रही है, वो भी दिल्ली से रायगढ़। सभी लोग इस ट्रेन में सफर करने के लिए बेताब हैं और आपस में धक्का मुक्की भी कर रहे हैं। अरे भाई, हमका चढ़ने दो, देखो हमारे हाथ में दो दो बैग है और एक ठो बच्चा भी है। अरे दीदी जल्दी करो ना, हमें भी जाना है, यह ट्रेन यहाँ ज्यादा रुकेगी नहीं, जल्दी करो। सभी पैसेंजर ट्रेन में चढ़ जाते हैं, ट्रेन भी चल पड़ती है और लोग अपनी अपनी सीट पर बैठकर बातें करने लगते हैं। अरे वैसे एक बात की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी, सरकार ने भाई चीज तो बड़ी ही लाजवाब बनाई है, हम तो अपनी जिंदगी में ऐसी चीज पहली बार देख रहे हैं। अरे सरकार ने दिल खोलकर खर्च किया है इस पर, और पता है जापान के इंजीनियर बुलाए थे और पूरे 3 साल में जाकर ये ट्रेन तैयार हुई है और अपने देश के एक लड़के अमरीश ने इसका मॉडल बनाया था, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है वो। सभी आपस में ट्रेन की ही बातें कर रहे होते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे शाम से रात हो गई और सूरज भी ढल गया और तभी रायगंज नाम का एक स्टेशन आया जहां कभी भी कोई ट्रेन नहीं रुकती है, लेकिन आज यह तरबूज ट्रेन रुक जाती है और अचानक से ट्रेन में चल रहे पंखे अपने आप हिलने लगते हैं और लाइटें भी जलने बुझने लगती हैं। सभी लोग घबरा जाते हैं और सहम जाते हैं। ट्रेन को एक स्टेशन पर रुके 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था और अब लोगों का डर और बढ़ता जा रहा था। अरे ये घटिया ट्रेन है, पहले तो जिस स्टेशन पर यह ट्रेन रुकी है वहाँ कोई ट्रेन रुकती नहीं है, और चलो रुक भी गई तो आगे भी तो बढ़े ना, 1 घंटे होने को है, ये सरक भी नहीं रही है। उस ट्रेन में एक रमेश नाम का आदमी भी सफर कर रहा होता है। वो कहता है, मैं अभी इसके लोको पायलट के पास जाता हूँ और उससे बात करके आता हूँ। रमेश ट्रेन के ड्राइवर कंपार्टमेंट में जाता है तो वो वहां जो देखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसने भूतिया देशभक्तों को देख लिया था। तुम तो भूत हो। तभी एक भूतिया देशभक्त कहता है, हम भूत हैं और अब हम तुम लोगों को असली ट्रेन की यात्रा कराएंगे। यात्रीगण अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब हम आसमान की सैर करने वाले हैं। ऐसा कहकर वो भूतिया देशभक्त उस ट्रेन को चलाने लगता है और वो ट्रेन पटरी को छोड़कर आसमान की ओर उड़ने लगती है। और ये सब देखकर ट्रेन में बैठे लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी थी। अरे मोरे माता जी, ये ट्रेन जमीन को छोड़कर आसमान में क्यों जा रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हे माता रानी कृपा करना। अरे कोई रोको इस ट्रेन को, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा दम घुट रहा है, रोको। लेकिन ट्रेन चलती ही जा रही थी तारों के बीच से। तभी रमेश भागते हुए वापस आता है और सबसे कहता है, अब हम नहीं बचेंगे, अब तो हम गए, यह कोई आम तरबूज ट्रेन नहीं है, यह भूतिया देशभक्तों की तरबूज ट्रेन बन गई है। उन भूतिया देशभक्तों ने कब्जा कर लिया इस ट्रेन पर और वो अब हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। तभी कुछ भूतिया देशभक्त आते हैं बड़ी बड़ी ट्रे में कटे हुए तरबूज लेकर और कहते हैं, गर्मी है, मौसम है, इसलिए कुछ तरबूज खा लिए जाए, खाओ खाओ, तरबूज हमें खाना भी बहुत और खिलाना भी बहुत पसंद है। हम नहीं खाएंगे तुम्हारे ये तरबूज,
हमें जाना है यहाँ से, ये ट्रेन वापस धरती पर ले चलो। तेरी ये हिम्मत, तूने हमारे तरबूज फेंके, अभी तुझे बताता हूँ, बहुत जुबान चल रही है ना तेरी। भूतिया देशभक्त उसे उठाकर खिड़की के बाहर लटका देता है और कहता है, अब किसी ने ज्यादा चू चपड़ की तो उसका भी यही हाल करूंगा, चुपचाप बैठो नहीं तो एक एक को उठाकर जमीन पर फेंकने में देर नहीं लगेगी। तभी वहां उस भूतिया देशभक्त के अलावा एक और भूतिया देशभक्त आता और कहता है, डरो नहीं, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। छी, कितने गंदे लोग हो तुम, खुद देशभक्तों की वर्दी पहनकर और उनके सितारे अपनी वर्दी पर लगाकर लोगों को डरा धमका रहे हो। मैं यकीन से कह सकती हूँ तुम लोग जरूर देशभक्तों के नाम पर देश के लिए एक कलंक होंगे, और जैसे भी तुम्हारी मौत हुई होगी अच्छी ही हुई होगी। यह देखकर भूतिया देशभक्त को रोना आ जाता है और वो कहता है, माँ जी ऐसा नहीं है, मेरा नाम दीपक है और मेरा यह साथी अर्जुन है, बस अर्जुन थोड़ा गुस्सैल है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। आप लोग की मौत कैसे हुई और आपने हमारी ट्रेन पर कब्जा क्यों किया? यह एक लंबी कहानी है, मेरी एक बहन थी जिसका नाम सीता था। सीता पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। उसे तरबूज खाने का बहुत शौक था। एक दिन मैं और अर्जुन उससे हंसी मजाक में बोल दिए, अरे सीता तू बड़ी तरबूज की फैन है ना, तू एक काम करके दिखा सके तो मैं तुझे एक बड़ा इंजीनियर मानूंगा। अच्छा क्या बात है बताओ। तू तरबूज की ट्रेन बना सकती है? बोल, अरे बोल ना, चुप क्यों हो गई, नहीं बना सकती ना। मुझे पता ही था। हाँ वैसे अर्जुन की बात में दम तो है सीता। ठीक है मैं बनाकर दिखाऊंगी, लेकिन अगर मैंने ऐसी ट्रेन का डिजाइन और मॉडल बना दिया तो आप दोनों मेरी मदद करो। दीपक और अर्जुन सीता की मदद के लिए हामी भर देते हैं और सीता भी पूरी लगन और मेहनत से एक तरबूज ट्रेन का डिजाइन बना लेती है। फिर उसके बाद दीपक अर्जुन सीता के उस डिजाइन को ट्रेन बनाने वाली कंपनी के पास ले जाते हैं जिसमें अमरीश नाम का एक आदमी काम करता था। उसे सीता का डिजाइन तो बहुत पसंद आया लेकिन उसने कहा, डिजाइन तो अच्छा है और काफी यूनिक भी, लेकिन हम इसे अपने नाम से बेचेंगे और आपको 10 लाख रुपए ही दे सकते हैं। अरे पागल समझा है क्या, इसकी कीमत करोड़ों की है और नाम क्यों नहीं होगा हमारी बहन का, उसने इतनी मेहनत की है, हम ऐसे ही किसी को उसकी मेहनत नहीं छीनने देंगे। अमरीश लालची था इसलिए उसने तभी ड्रॉअर से अपनी बंदूक निकाली और अर्जुन और दीपक को मार दिया और उस ट्रेन डिजाइन को अपना नाम दे दिया और खूब पैसा भी कमाया। तब से हमारी आत्मा तड़प रही है, अब हमें वो अमरीश चाहिए, हमने सरकार तक अपनी मांग पहुंचा दी है, अमरीश देंगे तो ही यह ट्रेन घर वापस जाएगी। माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें गलत समझी, तुम छोड़ना नहीं उस अमरीश को, उसके उसको किए की सजा देना और हम भी तुम्हारे साथ हैं। ट्रेन में 2500 यात्री थे इसलिए सरकार को भूतिया देशभक्तों की यह मांग माननी पड़ी क्योंकि वो एक आदमी की जान के लिए 2500 लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते थे। तरबूज ट्रेन धरती पर आती है और उस अमरीश को भूतिया देशभक्तों के हवाले कर दिया जाता है और सभी यात्री आराम से उतर जाते हैं और वो भूतिया देशभक्त कहते हैं, तूने इस ट्रेन को और कुछ पैसों के लिए हम देशभक्तों को मौत के घाट उतार दिया, आज हम तुझे ऐसी मौत देंगे कि आगे से कोई भी ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचेगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, तूने हमें छोड़ा था नहीं ना, अब हम तुझ पर कोई रहम नहीं करने वाले। ये खबर सीता को भी लगती है और वो भी वहाँ अपने भाइयों से मिलने आती है। भैया आपकी ये हालत किसने की? इस अमरीश ने, इसने हमें मार दिया और तेरे तरबूज ट्रेन को अपना नाम दिया, अब इसी ट्रेन के नीचे कुचला जाएगा ये और अपनी मौत को करीब से देखेगा। दीपक और अर्जुन अमरीश को ट्रेन की पटरियों पर लिटा देते हैं और उसके ऊपर तरबूज ट्रेन चला देते हैं और अमरीश की वहीं मौत हो जाती है और उसको उसकी करनी का फल मिलता है। सीता अपना ख्याल रखना, अब मैं नहीं हूँ तेरे साथ। दीपक और अर्जुन की आत्माएं अपना बदला लेने के बाद वहां से चली जाती है और सीता को उसका हक मिल जाता है।